हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने YouTube में पहली हवाई यात्रा या एयरपोर्ट की प्रोसेस से संबंधित बहुत से वीडियो देखे होंगे, परंतु एक बार प्लेन के अंदर पहुंचने के बाद और प्लेन के उतरने तक क्या क्या होता है और प्लेन के अंदर कैसा सेटअप होता है, इससे संबंधित कम ही वीडियो उपलब्ध हैं। हमने ये वीडियो इसी बात को ध्यान में रखकर बनाया है। यह वीडियो इंटरनेशनल फ्लाइट के इकोनॉमी क्लास की यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि जब आप एक बार प्लेन के अंदर अपनी सीट पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद प्लेन के लैंड होने तक क्या क्या होता है। आइए देखें। जब आप अपनी सीट पर पहुंचते हैं तो बैठने से पहले आपको अपना सामान सुरक्षित रखना होता है। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा दो बैग्स हो सकते हैं। बड़े हैंड बैग को आपको ऊपर बनी रेक पर रखना होता है, जिसे ओवर हेड लॉकर कहते हैं। इसे सिल्वर लॉक को अपनी तरफ खींच कर ऊपर उठाकर खोला जाता है। आप अपना छोटा सामान जैसे लेडीज़ हैंडबैग या ऐसा ही कुछ अपने पैरों के पास भी रख सकते हैं। अब जब आप अपनी सीट पर बैठते हैं तो आसपास आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं, जिनमें पहली है सामने वाली कुर्सी की पीठ पर एक छोटा सा एंटरटेनमेंट पैनल या टीवी स्क्रीन। यह एंटरटेनमेंट पैनल आप कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु जिसके लिए आपको एक रिमोट दिया जाता है जो आपकी सीट के हैंड रेस्ट पर चिपका हुआ होता है। इसी हैंड रेस्ट पर आपको सुनने के लिए एक हेडफोन का जैक भी मिलता है, जो 3.5 mm का होता है। इसमें आप अपना खुद का हेडफोन भी लगा सकते हैं या फिर जो आपको एयरलाइन की तरफ से मिलता है आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। बहुत सी एयरलाइंस में USB कनेक्शन के लिए एक सॉकेट भी मिलता है, जिसमें आप अपने USB कनेक्शन वाले किसी भी मीडिया प्लेयर को लगा सकते हैं या अपने फ़ोन को चार्ज करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट पैनल के नीचे एक ट्रे होती है, जिसमें आप भोजन रख सकते हैं या भोजन रखने के लिए या लिखने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। किन्हीं किन्हीं प्लेन में आपको ग्लास रखने के लिए एक अलग से सेक्शन होता है, पर यह निर्भर करता है कि आप किस मॉडल के प्लेन में यात्रा कर रहे हैं या किस क्लास में यात्रा कर रहे हैं। ट्रे के नीचे एक पाउच होता है, जिसमें बुक्स या सुरक्षा संबंधित जानकारी, सैनिटरी बैग वगैरह होता है। यदि आपको मोशन सिकनेस है तो आप या आपको यात्रा में उल्टी होती है तो आप इस बैग का उपयोग कर सकते हैं। ये तो हुई सामने की सीट की पीठ पर उपलब्ध सुविधाओं की। अब आपकी सीट पर आपको एक सीट बेल्ट मिलता है, जिसको आपको लगाए रखना है, और ये तब तब लगाए रखना है जब जब सीट बेल्ट का निशान कप्तान ने रोशन किया हो। यदि आप किसी छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रहे हैं जो आपकी गोद में बैठता है, तो उसके लिए आपको अलग से सीट बेल्ट दिया जाता है। 2 साल से बड़े बच्चों को अलग से सीट मिलती है और उनका अपना सीट बेल्ट होता है। साथ ही आपकी सीट पर एक बटन होती है, जिसे दबाकर आप अपनी सीट को पीछे झुका सकते हैं। ध्यान रहे कि आप ऐसा करने से पहले पीछे बैठे यात्री से पूछ लें, ये एक अनकहा नियम है। आपको दिए गए रिमोट में एक फ़ोन होता है, जिसका उपयोग आप अपने सहयात्री से बात करने में कर सकते हैं। आप रिमोट पर उस सीट का नंबर दबा करके उस सहयात्री को फ़ोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। आपको आपकी यात्रा के लिए एयरलाइन की तरफ से एक हेडफोन, एक छोटा कंबल, छोटा तकिया, कभी कभी छोटा पेस्ट और ब्रश भी दिए जाते हैं, कभी साथ में मोजे भी दिए जाते हैं। आपको कंबल, तकिया, हेडफोन और मोजे वापस करने होते हैं, जो प्लेन के उतरने के कुछ समय पहले ले लिए जाते हैं। आपकी सीट के नीचे एक सुरक्षा जैकेट होती है, जिसे आप प्लेन के पानी में उतरने की स्थिति में उपयोग में ला सकते हैं। अब आप यदि ऊपर देखेंगे तो आपको कुछ कंट्रोल दिखाई देंगे, जिनमें लाइट, ठंडी हवा और एयर होस्टेस को बुलाने के लिए एक कॉल बटन होती है। आप इनका उपयोग अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर ही आपके सामने सीट बेल्ट और नो स्मोकिंग का साइन होता है, जो समय समय पर जलता और बुझता रहता है। इस पर विशेष ध्यान रखें। यदि आप विंडो सीट पर बैठे हैं तो आपकी विंडो पर एक कवर होता है, जिसे आप नीचे करके बंद कर सकते हैं। सामान्यतः इस कवर को टेक ऑफ और लैंडिंग के समय खुला रखा जाता है और केबिन की लाइट को बंद कर दिया जाता है। प्लेन के टेक ऑफ होने के कुछ समय पश्चात नाश्ता या भोजन परोसा जाता है, जिसे आप अपनी सामने वाली सीट की पीठ पर उपलब्ध ट्रे पर रख कर खा सकते हैं। भोजन खत्म होने के बाद खाली ट्रे को वहीं रहने दें और एयर होस्टेस का इंतज़ार करें, जो इसे कलेक्ट करेंगी। साथ में आप और भी अपना कोई कचरा उन्हें दे सकते हैं। किन्हीं किन्हीं एयरलाइंस में आपको वेलकम ड्रिंक या हॉट टिश्यू भी दिया जाता है।
भोजन के बाद प्लेन की लाइट्स को बंद कर दिया जाता है और आपसे खिड़कियों को बंद करने का अनुरोध किया जाता है। यह निर्भर करता है कि आप दिन या रात में यात्रा कर रहे हैं। यदि आपकी यात्रा लंबी है तो आपको एक या दो बार फिर से नाश्ता या भोजन परोसा जाता है और लैंडिंग से पहले आपको लैंडिंग के कार्ड दिए जाते हैं जो आपको भरने होते हैं। आप वो या तो प्लेन में भर सकते हैं या उतरने के बाद भी भर सकते हैं। प्लेन में जो टॉयलेट होता है उसे लेवेटरी कहा जाता है। इसमें एक वैक्यूम फ्लश होता है जिसमें आप पानी का उपयोग नहीं करते हैं। ये ज़ोर से आवाज़ करता है और इसके अलावा टॉयलेट में टिश्यू पेपर सोप सिंक के साथ उपलब्ध होता है। ध्यान रखें कि प्लेन के टॉयलेट को बाहर से भी खोला जा सकता है और प्लेन में टर्बुलेंस की परिस्थिति में आपको तुरंत बाहर आना होता है। टर्बुलेंस का मतलब होता है जब आपका प्लेन उड़ते समय थोड़ा हिलता है। अब आपकी यात्रा लगभग समाप्त होने को आई है। आपको सीट बेल्ट लगाए रखना है लैंडिंग के समय और आप लैंड होने के बाद अपना सामान लेकर के बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार आपकी यात्रा समाप्त होती है और हमने इस वीडियो में ये जाना कि जब आप प्लेन के अंदर होते हैं तो क्या क्या घटता है और आपको क्या क्या करना होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।